वाले लोग हैं वो ज्यादा अपनी इस परेशानी को अच्छे से बता सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ आज नमाज अदा नहीं की गई तो खबर ये भी आई कि प्रशासन ने उन्हें लेजर वैली में वहाँ पर जगह मुहैया कराई है, बाकायदा टेंट वहाँ पर लगाए गए हैं। मैंने जैसा आपसे कहा कि शासन और प्रशासन ने पहले भी ना केवल गुरुग्राम को अपितु पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया कि हमने इनको 37 स्थानों को चिन्हित करके दिया है, लेकिन जब इसका पटाक्षेप हुआ 3 दिन पहले संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की बैठक जब हुई शासन प्रशासन के साथ, वहां पर यह साफ हो गया कि इन लोगों को शासन प्रशासन ने या हिंदू समाज की सहमति से कोई 37 स्थान नहीं दिए गए थे। तो अब शासन प्रशासन, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, शासन प्रशासन जो माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन या मतलब यहाँ पर गलती प्रशासन की है, लेकिन दूसरी बात यह कि 2018 में आपने मांग रखी थी और आरोप ये भी लग रहे हैं क्योंकि चुनाव है, पहले 2018 में ये बात उठाई गई थी, तब 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव थे, अब 2021 में बात उठाई गई है क्योंकि 2022 में चुनाव है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दूसरे समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे वक्त पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा करे कि 37 जगह पर अतिक्रमण का काम या सड़क, वो तो शांति से कर ही रहे थे ना, 2018 में 37 जगह चिन्हित की गई, वो तो उसी जगह पर जाकर कर रहे थे। ऐसा नहीं है, 2018 में 150 से ज्यादा जगह पड़ते थे, हमने मुद्दा उठाया 150 से 37 जगह पे आके टिक गए। उसी दौरान इनका रमजान का महीना था जिसपे हमने थोड़ा सा सहर्दय दिखाया और एक दिन की परमिशन का इन्होंने गलत मिसयूज किया जिसका परिणाम आज ये लोग भुगत रहे हैं और प्रशासन भुगत रहा है। फर्जी लिस्ट तैयार की इन्होंने जो आज प्रशासन ने अपने मुंह से अपने हाथों से खारिज किया। लेकिन बात तो आज भी वही हुई ना, ये जगह नहीं तो कोई और जगह। देखिए प्रशासन की तय हुआ है जगह, कोई ये नहीं जी मैं वहाँ नमाज पढ़ लेंगे, खुले में नमाज कहीं अदा नहीं की जाएगी, ये प्रशासन तरफ से दिशा निर्देश है और हिंदू समाज का विरोध है। खुले में कहीं भी नमाज अगर होगी उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। वहाँ जहाँ उनका स्थान है, वैकफ बोर्ड की जहाँ जमीन है, जहाँ उनकी मस्जिदें हैं, वहाँ जाकर नमाज अदा करें। इसमें ना ही किसी हिंदू संगठन को कोई एतराज है और ना ही प्रशासन का।